टीम इंडिया 2007 और 2011 ये दोनों वर्ल्ड कप जीत्या और इन दोनों वर्ल्ड कप में टीम इंडिया कप्तानी MS धोनी ने हाथ मई, यानी कि ये दोनों वर्ल्ड कप टीम इंडिया MS धोनी कप्तानी में जीत्या। लेकिन 2011 में और 2007 में MS धोनी की जितनी टीम में भूमिका ही उतनी भूमिका ऑलराउंडर युवराज सिंह की भी टीम जिताने के अंदर ही। युवराज सिंह ने फिलहाल क्रिकेट से दूर होया लगभग 5-6 साल होगा और न युवराज सिंह अब कोई भी क्रिकेट खेले, लेकिन युवराज सिंह 2024 में मोबाइल T20 वर्ल्ड कप के लिए आपकी फेवरेट टीम को नाम बताए। लेकिन थाने एक बात जान की बहुत अफसोस हो सी कि या जो फेवरेट टीम है या टीम इंडिया कुनी। अब अगर मैं थाने टीम को नाम बताऊं तो इस टीम को नाम है साउथ अफ्रीका। युवराज सिंह साउथ अफ्रीका के बारे में बोले हैं, यानी युवराज सिंह ने कहा, मैं चाहता हूं और मुझे लगता भी है साउथ अफ्रीका यह टूर्नामेंट जीत जाएगी। साउथ अफ्रीका ने व्हाइट बॉल में अब तक कोई टूर्नामेंट नहीं जीता है, लेकिन साउथ अफ्रीका ने इस साल 2023 का वर्ल्ड कप में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। तो युवराज सिंह साउथ अफ्रीका टीम के लिए यो बयान दिए, तो अब 2024 का वर्ल्ड कप में ही देखने पड़ेगी कि युवराज सिंह की या जो भविष्यवाणी है या कितनी ज्यादा सच होगी। लेकिन युवराज सिंह की बात में कुछ तो दम है, क्योंकि युवराज सिंह टीम इंडिया के लिए बहुत बड़ो क्रिकेटर रेड है। युवराज सिंह 2007 और 2011 में जो धोनी वर्ल्ड कप होया, यानी 2007 में T20 वर्ल्ड कप हो और 2011 में वनडे वर्ल्ड कप हो, उन दोनों में टीम को बहुत ही महत्वपूर्ण खिलाड़ी हूँ और ये तो दोनों वर्ल्ड कप ही हमें टीम इंडिया की तरफ से सबसे ज्यादा रन भी युवराज सिंह का ही। तो 2024 का T20 वर्ल्ड कप के लिए युवराज सिंह की फेवरेट टीम टीम इंडिया को नहीं बल्कि साउथ अफ्रीका टीम है। तो आज का वीडियो में बस इतना ही। अगर थानी वीडियो चोखा लग गए तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लियो और हाँ, चैनल सब्सक्राइब करने का सागर ये वीडियो लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर दियो।